में राम जी नहीं है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, झूठ में ठाकुर जी नहीं है। गोस्वामी जी ने क्या ग्रंथ बनाया हमारे आपके जीवन में, यह ग्रंथ उपस्थित है। हम आप भाग्यशाली हैं, भरत भैया का चरित्र जितना बन सके सनेम नियम पूर्वक श्रवण करके और इसको जीने का अभ्यास करना चाहिए। चरित्र जो समझ में आ जाए उसमें लपटाना चाहिए, जीना चाहिए। आगे के कांड का नाम है अरण्य कांड। अरण्य कांड माने वन कांड। एक सूचना है, कल कितने बजे आएंगे आप लोग? कल भंडारा है पूर्णाहुति का, कितने बजे आएंगे? अभी कथा है एक घंटा, अभी कोई हिले डुलेगा नहीं। कब बजे करें बतावा लोग? वीआईपी गैलरी को नहीं बोलना है, उधर ढूंढ रहा हूं। कब बजे? दो बजे। माता लोग दो बजे आ जाइयो। चलो ढाई, तीन नहीं बजाएंगे, ढाई बजे तक आ जाओ, दो बजे भैया लोग, है ना। कल श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव है सुंदरकांड के साथ। जिस प्रकार विवाह उत्सव में हम लोग पीताम्बर धारण करके भगवत प्रसादी आए थे, उसी प्रकार कल हम लोग भगवान के पावन राज्याभिषेक महोत्सव में सुंदर सुंदर। जरा चिंटू भैया यहाँ आगे श्रृंगार हो जाए, लड़िया उड़िया लटक जाए, राज दरबार दर्शन आवे और हम सब लोग बढ़िया पुष्प मिलेगा। जब अभिषेक होगा सब लोग पुष्प की वृष्टि ठाकुर के ऊपर करेंगे और आनंद से व्यास जी के भजनों के साथ हम लोग ठाकुर को बुलाएंगे और दिव्यता पूर्वक भगवान का पावन श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव मनाएंगे। तो कल हम लोग दो बजे से और पाँच बजे के क्रम में कथा करेंगे और सब लोग इस तैयारी से आएंगे, कथा के बाद तुरंत भंडारा है, विशाल भंडारा। हाँ, थोड़का वाला भंडारा नहीं है कि हाथे में ले लो चले जाओ, चकाचक पाइए खूब दिव्य। अभिषेक के बाद भैया लोगों ने सुंदर भंडारा रखा है, तो आप लोग पाइए। हमारो गाड़ी में रखवा दिया हो, हाँ भंडारा जरूर पाना चाहिए, प्रसाद ना हो ब्रह्मचारी गृहस्थी जी है, भगवत प्रसाद जरूर पाना चाहिए, पाना भी चाहिए और थोड़ा बाल बचन के ले भी जाना चाहिए। बूंदी वगैरह हो, हलवा वगैरह हो तो है, प्रसादी जरूर लेना। प्रसादी से बहुत ममता रखनी चाहिए, स्नेह रखना चाहिए, साथ ले जाना चाहिए। तो एक बार भगवान श्री रघुनाथ जी ने अपने हाथों से पुष्प उतार कर तंतु की सहयोग से लड़ियां तैयार की और अपने कर से माँ का श्रृंगार किया। निज कर भूषण राम, राम जी बनाए, सीते ही पहिराए प्रभु साधर, आदर पूर्वक बैठे शिला पर। प्रातस्मरणीय पूज्य पंडित ज्वाला प्रसाद जी महाराज ने इस कथा को बहुत विस्तार से दिया है श्री तुलसी कृत टीका में। बहुत विस्तार से दिया है। देवलोक दर्शनार्थ आया, देवराज इंद्र का बेटा जयंत भी आया। जयंत जैसे बड़े आदमी के बच्चे होते हैं वैसे जयंत भी था। आया, सब लोग दर्शन करके धन्य हो रहे थे, वो भगवान का परीक्षण करने चला, माता जी के चरण में चोंच मार दिया। भगवान ऐसे माँ की गोद में लेटे थे श्रृंगार करके। चला रुधिर, जब रक्त की उष्णता
लगी पृष्ठभाग में, तब भगवान ने देखा माँ को, माँ के नेत्रों से अश्रु निकले। क्या भया सते, माँ ने दिखा दिया। भगवान जिस कुथा की कुशा की चटाई पर लेटे थे, उसी से एक कुशा निकालकर भगवान ने धनुष बनाया और दूसरी निकाल के बाण बना के छोड़ दिया, क्योंकि जयंत भगवान का परीक्षण करने आया था। अब जैसे ही राम बाण चला, अपना सहज रूप धारण करके पिताजी के पास गया। दर निज रूप गयउ पितु पाहीं, राम विमुख राखा तेहि नाहीं। ब्रह्मलोक शिवलोक सभी लोकों में भ्रमण करता रहा। काहू बैठन कहान वोही, राखी को सकई राम कर द्रोह। लिखा है बाबू, राम जी की निंदा करने वाले, राम जी के भक्तों की निंदा करने वाले, राखी को सकई। सब जग ताही अनल होते ताता, जो रघुबीर विमुख सुनो भ्राता। हाँ, माँ तो मृत्यु, माँ उसको मृत्यु जैसा त्रास देती है, पिता यमराज जैसा लगता है। पितु समन समाना, अमृत विष जान पड़ता है, ऐसा भुसुंडी बाबा गरुण जी के प्रति कहते हैं। सुधा हो विष सुन हरि जान। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।